आप देख रहे हैं हेलो डीडी, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर संजय खान से। संजय जी, हमें और हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए कि आप कहाँ से आए और आपका ब्रॉटअप कहाँ हुआ और फिल्मों की तरफ आपका रुख कैसे हुआ? मेरी पैदाइश बेंगलोर में हुई, दक्षिणी हिंदुस्तान, और बचपन भी वहीं बीता, तालीम भी वहीं पाई थी। मेरे तालीम के दरमियान जब मैं स्कूल जाया करता था, उस वक्त मुझे फिल्म्स देखने का बहुत शौक था, और ख़ास तौर से एक फिल्म थी जो मैं 21 मरतबा देखा था। अच्छा। और उस फिल्म की फंडिंग के लिए मेरे पास पूरे पैसे नहीं होते थे, तो मैं अपनी स्कूल की किताबें बेचकर और वो देखता था। और किस जब कलाकार की आप फिल्म मैं पसंद किया करते थे? राज कपूर फिल्म अच्छा आवारा, अच्छा आवारा पर हम इतने प्रभावित थे, जी और वो किरदार जो राज कपूर जी ने जो अदा फरमाया था, वो आज तक हम नहीं भूले। और उस वक्त मुझे कभी ध्यान में नहीं आया कि एक दिन राज कपूर मेरे बहुत अच्छे करीब के दोस्त बनेंगे और मैं उनको अपनी तस्वीर अब्दुल्ला में उनका डायरेक्टर बनूंगा। जी। और आज तक मुझे याद है, जब ये दादा साहिब फाल्के अवार्ड लेने के लिए जी। जा रहे थे, वो ब्रीच कैंडी में दाखिल हुए थे, तो मैं उनसे मिलने गया था जी। तो कृष्णा जी के साथ उनकी कुछ हिचकिचाहट चल रही थी, अच्छा। चिड़चिड़ाहट। अच्छा। मैंने उनको एक प्यार मोहब्बत से डांटा, मैंने कहा राजी क्यों कृष्णा जी पर बरस रहे हो? जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए मेरी यूडिक्लॉन की शीशी 447-11 जो ज़माने में इम्पोर्ट होती थी और बहुत मशहूर यूडिक्लॉन थी, वो मेरी शीशी ख़त्म हो गई, मैं जा रहा हूँ दिल्ली, नाना साहेब फाल्के अवार्ड मुझे चाहिए। तो मैंने कहा, वो राजी ज़रा बच्चे जैसे थे कभी कभी, अच्छा। तो मैंने कहा मैं दुबई से मंगवा देता हूँ, किसी को फ़ोन करता हूँ, रोज़ फ्लाइट्स आती रहती हैं। राजी दिल्ली गए और मैं यहाँ दूसरे दिन वो बोतल आई, और तीसरे दिन सुना कि उनको स्ट्रोक हुआ, मैं वहीं पहुँचा और वो बोतल छोड़ कर आया। और उनके अंतिम संस्कार के बाद कृष्णा जी ने मुझे फ़ोन किया था, कहने लगी कि अब्बास पता है वो शीशी मैंने क्या की, कि इनकी आखिरी बात जो धिलाते हैं, धिलाने के बाद मैंने वो यूडिक्लोन की शीशी इनके बदन पर मल दी थी। संजय जी, इस समय हमारे पास देहरादून से फोन है, उमाकांत का। हेलो संजय खान जी, नमस्कार। नमस्कार भाई। हाँ जी, आपकी पहली पिक्चर कौन सी थी? पहली पिक्चर का नाम था दोस्ती। दोस्ती जी। अच्छा, और आपका कोई धार्मिक सीरियल आने वाला है? जी, फिलहाल महारथी करण चल रहा है DD1 पर, और आगे बुधवार और थर्सडे को, और आगे, और उसके साथ ही साथ संडे 1857 क्रांति चल रही है। आपने कोई पिक्चर में कोई गीत वगैरह गाए हैं? मैंने अपनी जिंदगी में 55 फिल्म्स किए हैं और सैकड़ों गीत गाए हैं। हाँ जी। नहीं, आपकी अपनी आवाज में? नहीं, अपनी आवाज में तो नहीं गाया मैं। गाने की हमेशा कोशिश रहती है, लेकिन जब और अच्छे गायक मिल जाते हैं तो हम उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। उस जमाने में तो मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब थे, मन्ना डे साहब थे, तो वो हमारी प्लेबैक दिया करते थे, और मैं ये नहीं समझता था कि मेरी आवाज़ उनसे अच्छी है। हालांकि डायलॉग बोलने के लिए आवाज़ हमारे डायलॉग डायरेक्टर्स जो हैं वो कहते थे अच्छी है, लेकिन मैंने कभी सिंगिंग में दिलचस्पी नहीं ली। संजय जी, हमें अभी आपने बताया आपकी पहली फिल्म दोस्ती थी जी। तो आपकी फिल्मों में पहली ये शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से आपको ये फिल्म मिली? एक वो बहुत दिलचस्प किस्सा है। हमारे गुरु और हमारे नेबर सत्यन बोस जी हमारे पड़ोस में रहते थे, और बहुत भले और अच्छे शरीफ इंसान थे। तो एक दिन मुझे याद है, सुबह सुबह उन्होंने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। मैं दरवाज़ा खोला तो दादा खड़े हुए थे, तो मैंने कहा गुड मॉर्निंग दादा। तो उन्होंने कहा अच्छा बच्चे, ऐसा कर थोड़ा मेरे गाड़ी को धक्का दे। अच्छा। बंगाली स्टाइल में धक्का दे। अच्छा। तो मैं चला गया, तो पुरानी गाड़ी थी उनकी, मॉरिस माइनर जैसी, तो मैंने धक्का दी, गाड़ी स्टार्ट हो गई, चले गई। इस तरह से दादा की एक आदत पड़ गई थी कि हर रोज सुबह आके मुझसे धक्का मरवाते थे।
तो फिर मैंने एक दिन कहा था कि गाड़ी चेंज कर दीजिए, उन्होंने कहा नहीं मैं ये पुरानी गाड़ी मुझे अच्छी लगती है। बीच में गैप था, बहुत दिन आए नहीं दादा। उसके बाद एक दिन फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, जब मैंने दरवाजा खोला तो दादा खड़े हुए थे। मैंने कहा धक्का देना है गाड़ी को, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं खुशखबरी सुनाने आया हूँ, ताराचंद बरजाटिया जी हैं और बड़े मशहूर प्रोड्यूसर हैं और दोस्ती बना रहा हूँ मैं उनके लिए, मैं तुम्हें वहाँ ले चलना चाहता हूँ। और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई यहाँ से आप इंट्रोड्यूस हुए दोस्ती में, जी, और दोस्ती बहुत ही अच्छी सक्षम थी। थी और उस जमाने में और संगम के टक्कर में चल रही थी, मुझे याद है। अच्छा, और केवल 4 लाख की फिल्म थी लेकिन उसमें इतनी अच्छी भावनाएं थी और स्टोरी इतनी अच्छी थी, थीम बहुत डायरेक्शन। अच्छी थी। और सत्यन बोस के साथ मैंने और भी फिल्में की और उनसे काफ़ी सीखा। दरअसल मैं जब बेंगलोर से आया था यहाँ, जी, मुझे एक्टर बनने का शौक़ नहीं था, अच्छा, क्योंकि ये आप, बात तो बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। आप क्या करना मुझे चाहते थे? डायरेक्शन करना था, तो अच्छा जब एक अमेरिकन यूनिट आया हुआ था यहाँ पर, जॉन गेलरमैन, उसने अच्छा टावरिंग इन्फर्नो जैसी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई थी, अच्छा तो उन्होंने मुझे अपने असिस्टेंट डायरेक्टर में लिया था। अच्छा तो मैं 14वां असिस्टेंट था और फिल्म ख़त्म होने से पहले उन्होंने मुझे फर्स्ट असिस्टेंट बना दिया था। और यहाँ तक मुझे अफ्रीका ले जाना चाहते थे असिस्टेंट जी डायरेक्टर बना के, मैंने जी इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैं अपने देश में ही कुछ आगे बढ़ना चाहता हूँ। जी तो उन्होंने उस ज़माने में जब मेरी उम्र 19 साल की थी, जी उन्होंने एक लेटर दिया, मेरे पास अभी तक मौजूद है, आई अच्छा रिकमेंड यू एज अ फर्स्ट क्लास टॉप डायरेक्टर ऑफ एनी मेजर कंपनी अच्छा इन द वर्ल्ड, फर्स्ट क्लास टॉप असिस्टेंट अच्छा डायरेक्टर फॉर एनी मेजर फिल्म जी कंपनी इन संजय द जी, वर्ल्ड। हम फोन ले लेते हैं, सतारा से है जी सुनंदा का। जी जी हेलो, हाँ हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ हाँ नमस्कार। नमस्कार सुनंदा जी। हाँ मैं सातारा से बोल रही हूँ। जी हाँ नमस्कार संजय कांत। बहुत नमस्कार हाँ आपको भी। हाँ अपना सवाल कीजिए। हाँ मेरा ये सवाल है कि आज के जमाने के आपके कौन से एक्टर ज्यादा पसंद है? नई पीढ़ी के मैं शाहरुख खान और ऋतिक रोशन और बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जो मैं बहुत उनको एडमायर करता हूँ। और पुराने एक्टर और आज के एक्टर में आपको क्या ज्यादा, आपको क्या डिफरेंस लगता है? मैं समझता हूँ पुराने एक्टर अपने मुकाम पर ठीक थे उस जमाने का माहौल लेते हुए, वातावरण लेते हुए, और आज के एक्टर भी अपने माहौल में ठीक हैं। और हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है हर पैमाने पर इम्प्रूव हो रही है, वो बेशक एक्टिंग क्यों ना हो, डायरेक्शन क्यों ना हो, फोटोग्राफी क्यों ना हो, कोरियोग्राफी क्यों ना हो। तो अभी मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड के बराबर हो जाएगी कई कुछ आने वाले दिनों में, और हो सकता है कि नंबर 1 इंडस्ट्री भी बन सकते हैं हम लोग अगर कोशिश थोड़ी सी करें। ये अगला फोन है रायगढ़ से अरुण ठाकुर का। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ मैडम नमस्कार, नमस्ते। अरुण ठाकुर बोल रहा हूँ। मैं संजय खान से, मेरा एक सवाल है कि अभी जो महारथी करने चालू है ना। जी 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 हाँ जी सुन हाँ रहे हैं हम। वो चालू है ना महारथी जी, करने, वो अच्छे है सीरियल कि लोगों को भी मालूम नहीं कि कर्ण के जन्म कैसा हुआ है। लोगों को पता चला है कि कर्ण का जन्म एक अपना मछली के पेट से हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपने जो सीरियल दिखाई वो अच्छा है महाराष्ट्र के लोगों के लिए और जो सब भारत के दर्शक लोग देख रहे हैं और भारत के और करीब भी जो देश है वो देख रहे हैं केबल से, केबल नेटवर्क से, वो अच्छा है। क्योंकि इसमें बहुत ऐसा दिखाई दे दिया है कि महारथी कर्ण जिसका जन्म कहाँ से हुआ है, लोगों को यही पता नहीं चल रहा है कि महारथी कर्ण कौन था, वो कैसा आया, और उसके जो पहले का तुम जो इतिहास दिखा रहे हो वो अच्छा है। जी उसमें आपको हार्दिक बधाई मैं देता हूँ कि समझदारी आपने दिखाई है कि महारथी कर्ण एक बहुत बड़े वीर योद्धा थे और उनका बैकग्राउंड मैं विस्तार से पेश कर रहा हूं, आपको बहुत पसंद आएगा। संजय खान जी, जो अपना जय हनुमान जो माने का सीरियल था ना, जी वो भी ऐसा उसको में जो लोकेशन वगैरह सब है ना, वो हनुमान का जन्म वगैरह दिखाई दिया ना, जी तो जी मेरे को अच्छा लगा, महाराष्ट्र के लोगों को और सबको अच्छा लगा। अभी वो दोबारा आ सकता है क्या? जी वो आ सकता है, वो हम कोशिश कर रहे हैं DD1 पे लगाने के लिए दोबारा, क्योंकि पहले वो DD2 पर ज्यादा चला था और आखिरी चंद कड़ियां उसकी थी, 40 या 45 कड़ी केवल DD1 पर चली थी, और अभी DD1 का उसका दर्शक बाकी हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। वो सीरियल आप लिखिएगा, DG को रिक्वेस्ट कीजिएगा DG साहब से। हमारे पास दूसरा फोन मुंबई से है जी। विनय राणे का। हेलो, हेलो, हाँ जी बोलिए। आपकी जो मालिका, जो संजय खान की जो मालिका थी टीपू सुल्तान,
फिर से कब दिखाएंगे आप? देखिए वो टीपू सुल्तान जो है फिर दोबारा जब लगेगा तो मलिका को देख लीजिएगा, और वो बहुत ही अच्छी थी मलिका, सीमा उसका नाम था, और शी इज अ वेरी फाइन एक्ट्रेस, अच्छी एक्ट्रेस थी और अच्छी अदाकारी दिखाई उन्होंने, और आपको टीपू पसंद आया होगा तो इसीलिए आप पूछ रहे हैं हमसे। और आपकी नई मलिका कौन सी अभी आ रही है क्या? भाई अभी इस फिलहाल तो मैं पर्दे के पीछे से काम करता हूँ, कैमरे के पीछे से, और मेरी आखिरी अपीयरेंस थी द सोड ऑफ टीपू सुल्तान में, मेरी जो फायर एक्सीडेंट हुई थी उसके बाद मैं सिर्फ वो सोड ऑफ टीपू सुल्तान ख़त्म किया हूँ। अभी वैसे मेरे फैंस और मेरे जो फैमिली के चंद मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि अभी भी आप पर्दे पर आइए, तो हमने सोचा कि अगर आना है तो आएंगे कभी कोई अच्छा रोल लेकर। ये हमारे पास अगला फोन है लुधियाना से अजीत का। हेलो। हेलो जी। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए आप। पंजाब से बोल रहे हैं जी हम। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार भाई। फरमाइए। हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई फरमाइए। हम ये कह रहे हैं भाई पंजाब कर भी पंजाब पर भी आप कोई सीरियल बनाए। बेशक बनाएंगे, पंजाब एक बहुत जिंदा कौम है पंजाबियों की, और मैं बेहद पसंद करता हूँ, मेरे अच्छे अच्छे दोस्त हैं पंजाब में। अच्छा ये, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है जी। आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। हाँ जी। संजय जी आपने जैसा कि बताया आपको पहले डायरेक्शन का शौक था, आप उसके बाद आपने 3 फिल्में भी बनाई, जब आप एक्टिंग करने के बाद आप डायरेक्शन की लाइन में आए, आपने प्रोड्यूस भी की और डायरेक्टर भी रहे और एक्टिंग भी फिल्मों में की जी, जी। तो अपनी इन फिल्मों के बारे में बताइए। मेरी पहली फिल्म जो मेरे डायरेक्शन स्क्रीन प्ले की थी चांदी सोना। चांदी सोना एक बहुत एडवेंचरस फिल्म थी, उसमें पहली बार मैंने दिखाया था कि एक खजाना कहीं तहखाने में कोई पानी के नीचे है, वो अंडर वाटर, उसमें डाइविंग होती है। उसमें प्राण साहब थे मेरे साथ और डैनी डेंजोंगपा, परवीन बाबी, संजीव कुमार वगैरह, तो अच्छी इंटरेस्टिंग फिल्म थी। 100 डेज चली थी उन दिनों में। उसके बाद मैंने बनाई थी अब्दुल्ला। अच्छा। और अब्दुल्ला मेरे दिल पसंद कहानी थी और मेरे फेवरेट एक्टर राज कपूर थे उसमें। अच्छा। और उसमें भी हिंदू और मुसलमान भाइयों में इत्तेफाक और एक बहुत अच्छी दर्द भरी कहानी थी जी। एक बच्चे की रक्षा अब्दुल्ला कैसे करता है जो हिंदू बच्चा है और उसकी खातिर अपनी जान तक देता है उसको बचाने के लिए जी। तो वो सिल्वर जुबली किया था और काफी अच्छी चली थी जी। और उसके बाद भी मैंने जो फिल्म बनाई थी एक काला धंधा गोरे लोग, उसमें भी एक ऐसे कुछ थीम थे जहाँ हालांकि जो मेन थीम नारकोटिक्स था लेकिन उसमें भी मैंने देशभक्ति की भावना रखी हुई थी। आपकी ये दोनों फिल्में चली थी अब्दुल्ला और काला धंधा गोरे लोग। दोनों सिल्वर जुबली किया था जी। हमारे पास समय गोधरा से फोन है डावी भगीरथ का। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ मैं संजय खान जी से कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए किसी भी काम में कुछ भी करने के लिए किसी भी क्षेत्र में मेहनत और मशक्कत करनी चाहिए, सोच समझ कर करना चाहिए, और अगर आपको डायरेक्शन का शौक है तो किसी इंस्टीट्यूट में दाखिल होइए और वहाँ डायरेक्शन का कोर्स लीजिएगा। कोर्स ख़त्म करने के बाद आप किसी डायरेक्टर कंपनी में मिलिए, किसी फिल्म कंपनी या टेलीविजन कंपनी में, वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर बनिए अप्रेंटिस, और अगर आप में मादा है और बुद्धि है तो आप जल्द डायरेक्टर बन सकते हैं, और अगर आप में कम समझ है तो कुछ देर के बाद बन सकते हैं, लेकिन बन सकते हैं। अब उसके बाद तो आपका भविष्य जो आपकी कुंडली में लिखा वही होगा। संजय जी आपका एक मोड़ ऐसा आया, पहले आपने एक्टिंग की, उसके बाद आप डायरेक्शन और फिल्म मेकिंग में आए, उसके बाद आप छोटे पर्दे पर आपने अपना सारा टैलेंट दिखा दिया और आपने एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक सीरियल बनाया द सोड और टीपू सुल्तान। तो ये आइडिया आप में कहाँ से आया,
इसके लिए आपने काफी लंबी प्लानिंग की होगी, काफी रिसर्च वर्क किया होगा। नहीं, वो एक ऐसा अजीब और गरीब इत्तेफाक था कि मुझे याद है कई साल पहले जी। मैं एयरपोर्ट सांता क्रूज एयरपोर्ट, उस जमाने में सांता क्रूज एयरपोर्ट के नाम से मशहूर था, तो मैं वहाँ के बुक स्टॉल में एक कुछ बुक्स खरीदने गया था। संजय जी, आपकी ये चर्चा जारी रहेगी, पहले मैं फोन ले लेती हूँ। बेशक, बेशक। मुन्ना शाह का है दिल्ली से। बेशक। हेलो, नाम लिखा। हाँ जी बोलिए। हाँ मैडम, मैं मुन्ना शाह बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी अपना सवाल कीजिए। जी सवाल जी। ये है कि मैं संजय खान जी को एक बार जयपुर जाते हुए देखा था और माशाल्लाह भगवान की कृपा से इनका स्वास्थ्य और हेल्थ इतना अच्छा और पर्सनैलिटी इतनी अच्छी लगी कि भगवान इन्हें इस अच्छी और स्वास्थ्य देते हैं। सबसे बड़ी खुशी ये है कि ये इंडिया की सेकुलर फेस के मैनिफेस्टेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो धर्म से ऊपर उठ करके और देश की एकता के लिए और हिस्ट्री के लिए इतना अच्छा काम किए हैं। भगवान इनमें इन्हें सफल बनाए और स्वस्थ रखे। बहुत शुक्रिया आपकी भावना का, और मैं मुझे मेरे दिल में कदर रहेगी कि देशभक्ति की भावना हमेशा जिंदा रहे हर लोग में। थैंक यू भाई, थैंक यू जी। जो बहुत अच्छी बात की है आपके लिए। आप बता रहे थे कि आपने किस तरह से जी तो मैंने इस बुक स्टॉल में मेरी नजर एक बुक पर पड़ी जिस पर लिखा हुआ था द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान। अच्छा। और नीचे देखा तो ऑथर का नाम भगवान गिदवानी। अच्छा। तो दिलचस्पी बढ़ी और मैंने किताब हाथ में ली और खोला। किताब खोलने के बाद पहले पन्ने पर लिखा हुआ था कि भगवान गिदवानी साहब कराची में जन्म हुआ था और उनके वालिद साहब जो थे हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे कराची के। तो इससे मुझे दिलचस्पी, संजय जी अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो टीपू सुल्तान का इतना डिटेल से कुछ नहीं लिखा है, ये एक छोटा सा इंसिडेंस है कि हाँ इस तरह के हुए थे। देखिए कोई लंबी कहानी नहीं है इनकी। जी हाँ, वो एक दो लाइनों में बड़े बड़े हमारे वीर जो हैं, ना सिर्फ टीपू सुल्तान, आप किसी भी वीर को ले लीजिए, अंग्रेज हिस्टोरियन ने सबको दफना दिया था जी। तो हमारे बच्चों को ये खबर पहुंचती नहीं थी, और जब ये सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान मैंने देखी तो मुझे दिलचस्पी हुई किताब से, खास तौर से जैसे मैंने बयान किया कि भगवान गिदवानी। यहाँ फिर आपको टोकना चाहूंगी। अच्छा, अच्छा, जयपुर से फोन है अमित जैन का। जी जी। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार भाई। हाँ जी, शेर मैसूर टीपू सुल्तान साहिब संजय खान जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा हार्दिक बधाई हो आपको हर चीज की। आपका जो टीपू सुल्तान सीरियल है वो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और उसमें जो आपने इसमें देशभक्ति के जो दिखाया है, जो देशभक्ति का जज्बा है जी, वो बहुत अच्छा लगा है जी। यही बहुत जरूरी है आज भी कल भी, भारतीयता का जो नक्शा बनेगा उससे कि अपनी भावना से ही बनेगा, और जब ये भावना कम होती है इंसान में तो देश का नुकसान होता है, अपना भी नुकसान होता है। हाँ जी, तो उसमें जो आपने अभी सीरियल अभी जो एक क्लिप दिखाई थी जी, तो उसमें जो आपने डायलॉग बोले हैं कि मैं भगवान का बंदा हूँ, वो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा है जी जी जी। और मेरी एक इच्छा है कि उसमें जो आप शेर की तरह लड़े हैं जी, वो एक जरा क्लिप और दिखा दे तो जरा अच्छा होगा जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, स्टूडियो वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको दिखा सकते हैं तो। जिसमें वो आप शेर की तरह लड़े हैं जी जी, वो क्लाइमैक्स सीन जो लास्ट एपिसोड का। हाँ जी जी। हाँ जी, हाँ मैं कोशिश करूंगा, पूछूंगा, इनके पास है तो जरूर दिखा देंगे। हमारे पास समय हुआ तो दर्शकों हम जरूर इनके सीन दिखाएंगे। और आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, जब आप फोन करते हैं तो अपना टीवी वॉल्यूम थोड़ा सा कम रखें जिससे कि हम आपकी आवाज आसानी से सुन सकें। संजय जी, हम बात कर रहे थे टीपू सुल्तान की जो जी, जो मैंने किताब दिल्ली की फ्लाइट पर पढ़ी थी, 2 घंटे की फ्लाइट होती थी उन दिनों में, और किताब पढ़कर मैं तो बेहद उस पर प्रभावित हो गया था। और बॉम्बे आकर वापस मैंने अपने दोस्त को एक फ़ोन किया, उन्होंने गिदवानी साहब से मेरी मुलाकात करवा दी, तो दिल्ली में फिर आए हम, गिदवानी साहब से मुलाकात हुई, बड़े नेक और अच्छे इंसान हैं, और उन्होंने फौरन कहा कि ये मेरी किताब ले लीजिए बनाइए। तो मैंने पूछा कि इसकी रकम क्या होगी, तो उन्होंने कहा नहीं फ्री।
तो मैंने ऐसे कहा कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं बनते हैं और बिना पैसे के और कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने कहा सिर्फ बराए नाम 10,000 रुपये दे दीजिए। तो मैंने वो साइन कर लिया था कॉन्ट्रैक्ट, और दरअसल मैं उसकी फिल्म बनाना चाहता था। अच्छा। मैंने कहा ये एक ऐसी दास्तान है, मैंने भगवान की दवानी साहब से कहा आपका बैकग्राउंड हिंदू महासभा का और आपने एक मुसलमान बादशाह की कहानी इतनी दिलचस्पी से क्यों लिखी जी। तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छा दिलचस्प किस्सा सुनाया, मैं आपको अगर समय हो तो बता दूं। जी मैं उससे पहले फोन ले लेती हूँ, अजय का है देहरादून से। जी जी जी। हाँ हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी ये सजी नमस्ते। नमस्ते भाई। हाँ जी अजय काम बोल रहा हूँ देहरादून से। नमस्ते अजय जी। हाँ थोड़ा सा अपना वॉल्यूम कम कर लीजिए टीवी सेट का। अच्छा जी। मैं कहूँ संजय जी आपने बहुत सुंदर सीरियल बनाए हैं देशभक्ति पे भी और ये धार्मिक भी, तो मेरा प्रश्न ये है कि जो अयोध्या जैसा संवेदनशील इशू है इसके ऊपर भी देश को जोड़ने का कोई आप ऐसा धारावाहिक बनाने का विचार रखते हैं क्या? आपके विचार बहुत अच्छे हैं और मैं उससे सहमत हूँ। हम सब हिंदुस्तानियों को यही सोचना चाहिए कि ये जो मसला खड़ा हुआ है इसको किसी तरह से हल करना है, प्यार मोहब्बत और भाईबंदी से ही हल हो सकता है। और हमको आगे चल के हमारा मुकाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया जिसके हम वासी हैं, और हमारा वो कार्य कर्तव्य बनता है कि उसकी हम मदद करें। तो आपने जो फरमाया आपका ख्याल बहुत अच्छा है और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी तरफ से भी जो हो सकता है तो मैं इस मसले को हल करने में हम दिलो जान से हम काम करेंगे भारत के हित में। संजय जी हम बात कर रहे थे सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान की, एक बात और हम कहना चाहेंगे कि आपने जितने भी सीरियल बनाए हैं ये ऐतिहासिक और पौराणिक सीरियल बनाए हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मुझे याद है कि 13 महीने मैं अस्पतालों में था क्योंकि एपिसोड नंबर 34 ये तब की बात है जब आप टीपू सुल्तान शुरू कर चुके थे। तो अच्छा। जब मैंने 7वें दिन में ये एक्सीडेंट हुआ था फर्स्ट एपिसोड 8 फरवरी 1988 9 बजे रात के। अच्छा। और सबसे बड़ा दुख है उस बात का मुझे, मेरे साथी जो थे मेरे असिस्टेंट्स और मेरे शिष्य वगैरह, तो उसमें 52 आदमियों की मृत्यु हुई थी जो मुझे अगस्त के महीने में पता चली। अच्छा। और पता चला था ये। और जब हम अमेरिका गए थे अगस्त के महीने में, फिर 5 महीने वहाँ जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में थे, फिर 13 महीनों के बाद हम आए, और उसमें एक्चुअली जो किरदार जो हैदर अली साहब का था वो सिर्फ 6 एपिसोड में था, और लेकिन मेरी हालत ख़राब होने की वजह से वहाँ उन्होंने 22 एपिसोड तक ले गए। अच्छा। और मेरी एंट्री 22वें एंट्री में एंट्री होती है उसके बाद उसमें। तो जब ये हम आए तो मुझे याद है कि हम बैठे हुए थे सीढ़ियों पर समोद पैलेस के जी। समोद पैलेस एक बहुत खूबसूरत जगह, शूटिंग कर रहे हम वहाँ कर रहे थे जयपुर से करीब, जैसे जयपुर के करीब 60 किलोमीटर। तो स्कूल्स से बच्चे आए थे, 4-5 बसें भरी हुई थी और लाइन लगाकर मेरे से ऑटोग्राफ ले रहे थे। अच्छा। तो वहाँ एक साहब आए, उन्होंने नमस्कार कहा, और एक महंत थे हनुमान जी के मंदिर के। अच्छा। जो पहाड़ी की ऊंचाई पर वहाँ आज तक मौजूद है, बहुत बड़ा मशहूर मंदिर है समोद के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई आपके लिए मैंने 1 साल 1 महीना प्रार्थना की इस मंदिर में। अच्छा। तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, एक भावना उभर आई। तो मैंने उनको शुक्रिया अदा किया, उन्होंने कहा कि आप आइए दर्शन लीजिएगा। तो मैंने कहा जरूर आऊंगा, लेकिन अभी इस वक्त मेरी पोजीशन ऐसी है कि मैं कुर्सी से उठता हूं तो मेरी नर्स मुझे उठाती है और मैं 60 गोलियां खाकर जी रहा हूं। तो उन्होंने कहा आपका स्वास्थ्य जल्द ठीक हो जाएगा। अच्छा। तो आप यकीन नहीं करेंगे, 8 दिन के अंदर ही अंदर वो 400 पहले सीढ़ी चढ़ने के लिए मैंने नर्स से कहा कि चलना है चढ़ना है। तो उन्होंने कहा कि सर आपकी यू विल डाई, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, और आप चढ़े, बुलावा आया है मैं चढ़ा। न सिर्फ वो 400 सीढ़ियां पर 3 पहाड़ियां भी। अच्छा। छोटी, और वहां संगमरमर के फर्श पे हम बैठकर उन चांदी के गिलास में मैंने केसरी दूध पिया उनके हाथ से, उन्होंने पिलाया, और ये बयान कर रहे थे हनुमान जी के बारे में, और मैं हनुमान जी की तस्वीर को देख रहा था, वो बहुत बड़ी मूर्ति थी, लाल मूर्ति और काला काजल जी।
और उस वक्त पंडित जी कुरान शरीफ के मुझे आयत भी सुनाए। अच्छा। और मैं सुनकर दंग रह गया कि इतने बड़े आलिम थे वो। तो मैंने उनकी तरफ देखा, मैंने कहा पंडित जी आप बहुत आलिम हैं। मैंने कहा हाँ, मैंने कुरान शरीफ पढ़ी है, मैंने इंजील पढ़ी है, हर मज़हब की किताबें मैं पढ़ता हूँ। तो इससे भी मुझे बहुत एक दिलचस्पी हुई। और उसी दिन मैं जब वापस आ रहा था मंदिर से दर्शन करके हनुमान जी के, मेरे मन में एक ख्याल सता रहा था मुझे कि मैंने कहा ये मुझे हनुमान जी की तस्वीर बनानी है। तो फिर में मेरी शूटिंग थी जी। तो मेकअप करते दौरान मैंने हमारे एक एक्टर से पूछा जो पुरनैया का रोल करते थे जी। उनसे कहा, मैंने कहा कि भाई जरा हनुमान जी पर जरा रिसर्च कीजिए, मैं बनाना चाहता हूँ। अच्छा। तो हंसने लगे खूब, मुझे कुछ समझ भी नहीं आया हंसी। मैंने कहा हंस क्यों रहे? हाँ। तो कहने लगे कि नहीं साहब, ये तो हनुमान जी की तस्वीर बन चुकी कई हजारों बार। मैंने कहा देखो, हनुमान जी की तस्वीर सिर्फ हनुमान जी को बन से शुरू करते हैं जहाँ श्री राम से मुलाकात होती है, उससे पहले आज तक तो मैंने नहीं देखा जी। ये जानकारी करो कि है या नहीं। इससे हमको पता चला कि कभी हिंदुस्तान के इतिहास में न फिल्म न टेलीविजन पर कभी उनका बचपन, उनकी तालीम, शिक्षा और उनकी ओरिजिन, उनकी उनके माँ बाप कौन थे, उनके गुरु कौन थे और उन्होंने कैसे जन्म लिया और कहाँ थे। और जब मैंने अपने पंडितों से बैठ के कहानी रिसर्च की तो उन्होंने कहा कि 11वां रुद्र अवतार थे। अच्छा। ये पवन पुत्र कहलाते थे लेकिन ये पवन पुत्र नहीं थे संजय जी, इस ये धर्म पिता थे जी, जी। हम एक फोन ले लेते हैं और इस चर्चा को जारी रखेंगे। ये इगतपुरी से है, हमारे पास फोन है। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। नमस्ते जी। नमस्कार। नमस्ते संजय खान साहब। नमस्ते मेरे भाई। आप हम सवाल पूछना चाहते हैं जी। जी ये हनुमान का जो सीरियल बनाए थे जी, ये आपका मकसद क्या थे? ये सीरियल बनाने के पहले क्या मकसद थे कि सीरियल बना के हम जो पर्दे पे पेश करेंगे, छोटे पर्दे पे, इसका मकसद क्या है, आगे पीछे क्या था आपको? अभी मैं स्टेशन पर बैठा हूँ और यही बात की इंटरव्यू हो रही है कि इत्तेफाक से आपने वही पूछा कि मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली और क्यों बनाया था मैंने जय हनुमान। हाँ। अभी मैं सुना रहा हूँ, अगर ये आप प्रोग्राम देख रहे हो तो आपको मिल जाएगा। हाँ। इसका तो, उत्तर मिल जाएगा आपको। हाँ। और मैं आपका जो जय हनुमान सीरियल है अपने को बहुत पसंद है सीरियल जी। और जैसे महारथी कर्ण हो गए जी, ऐसा जो सीरियल में आपको जो देखे जी, मेरे को ऐसा दिल करा कि मैं आपका जो कैसेट जो बना है, मैं आप पूरा सेट ही खरीदना चाहते हैं। जरूर जरूर। एक साल से भटक रहा हूँ, मेरा कैसेट नहीं मिल रहा है। नहीं, अभी मार्केट में भेजा नहीं हमने। नहीं भेजे। और आप मुझे जरूर लिखिएगा, जब मार्केट में आते ही मैं आपको खबर दूंगा। इसलिए कि मैं तो हर शनिवार को बात करना चाहते हैं और उनसे थोड़ा बात करना चाहते हैं। हमको अगर गोविंदा जी से मिलना चाहे तो मिल सकते हैं कि नहीं, उनसे सवाल करना चाहते हैं। हाँ हाँ, मिलिए, बहुत अच्छे प्यारे इंसान है वो। हाँ। तो हमको इस लाइन आप अंधेरी में जो रहते हैं, सूरज कुमार शर्मा का नाम सुने हैं कि नहीं आप? जी जी। विराट शाह जो रहते हैं जी? नहीं नहीं ना। तो उनसे अगर मैं गोविंदा जी से मिलना चाहे। संजय जी। जी जी भाई, थैंक यू। संजय जी आप बता रहे थे जय हनुमान जी के बारे में। सबसे आश्चर्य की बात हमें जो लगती है कि आप मुस्लिम हैं और उसके बाद आपने जय हनुमान जी जैसा सीरियल बनाया जिसमें आपने उनके पूरे बचपन से उनकी जो कहानियां हैं ली हैं, जो शायद हिंदुओं को भी उनकी कहानियां नहीं पता होंगी। दरअसल ये इत्तेफाक हुआ है कि कई बार मैं हनुमान जी की तस्वीर बनाने के बाद एयरपोर्ट पर भेंट होती थी मेरी कई लोगों की और कई महिला मेरे पास आती थी, नमस्कार भाई जी, हम आपके आभारी हैं कि आपने इतनी बड़ी शिक्षा दी हमारे बच्चों को। हमें खुद नहीं मालूम था कि बचपन और उनकी जो बैकग्राउंड हनुमान जी की, और बहुत अच्छा आपने किया है। तो मैं कहता हूं कि आपने जो मुझसे प्रश्न किया उसका उत्तर ये है कि देश की संस्कृति को हमको जीवित रखना है जी। किसी हाल किसी सूरत में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं उस संस्कृति को आप हरा या गेरवा रंग देकर उसको बिगाड़ देना जी। उसकी जो उसकी पवित्रता है, उसका पाकीज़ापन है, उस संस्कृति का हमेशा उसको रखना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा आप देखते हैं कि संस्कृति, देश की संस्कृति पर बनाता हूँ सीरियल्स, या देश की भावना और आपसी इत्तेफाक और नेशनल इंटीग्रेशन, कम्युनल हार्मनी पर बनाता हूँ। और इस तरह से हम बनी बनाते हैं जैसे दर्शक बोर हो जाएं। दर्शकों का इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए कहानी को कभी कभी फर्जी सीन्स भी लगा देते हैं हम, जो
एक्चुअल स्टोरी हुई है उसमें फर्जी सीन इसलिए लगाते हैं उसके ड्रामेटिक कंटेंट को बढ़ाने के लिए जी। तो हम समझते हैं कि देश की संस्कृति का प्रचार भरपूर मानों में हमेशा होना चाहिए, उसमें कोई रंग नहीं होना चाहिए, ना हरा रंग होना चाहिए, ना गेरवा रंग होना चाहिए जी। ये हम एक भारतीयता का एक पैगाम है हमारे दिल में कि हर चीज़ जब देखते हैं तो हमारे मुल्क की तरफ ऐसे देखना चाहिए, इस वतन से हम आए हैं, इस वतन में हम जाएंगे, इस मिट्टी से पैदा हुए, इस मिट्टी में जाएंगे और हमेशा वतन का नाम बुलंद रखेंगे और वतन के लिए काम करेंगे। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप एक्सेलेंस कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल। संजय जी, जब ये हादसा हुआ था आपका टीपू सुल्तान के समय जी। उसके बाद लोगों ने सोचा अब आप क्या करेंगे, लेकिन उसी के बाद आप और आगे बढ़े, आपने ये सीरियल दिए जय हनुमान जय महाभारत, 1897 क्रांति, महारथी, हाँ द ग्रेट मराठा। तो मैं बताता हूँ कि ये साथ ही आपने एक बहुत बड़ी इमारत भी खड़ी की, हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले हम एक फोन ले लेते हैं, समय आया हुआ है। हेलो, बिहार से ये फोन है जी। हेलो, सहरसा बिहार से जी। भाई नमस्कार। हेलो हेलो, अपना सवाल कीजिए। हेलो संजय खान जी, प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, प्रणाम बाबू। मैं मोहम्मद आफाक अलम सहरसा बिहार से बोल रहा हूँ। सलाम वालेकुम। ये संजय खान जी, आपसे मेरा ये सवाल है जी। मैंने सलाम किया आपको। सलाम, वालेकुम सलाम जी। ये मेरा आपसे ये सवाल है जी कि मेरा नाम वैसे वहाँ गलत आ रहा, मोहम्मद आफाक अलम में बोल रहा हूँ जी। जी मेरा आपसे ये सवाल है जी, आपको अपने जीवन में सबसे अच्छी खुशी कहाँ और कब मिली जी? सबसे ज्यादा खुशी आपको कब और कहाँ मिली? सबसे ज्यादा खुशी मेरे परिवार से मिली है, मेरी बेगम ने दी है, मेरे बच्चों ने दी है, और मेरे दिल में जो सफाई है वो देती है मुझे सबसे ज्यादा खुशी। मोहब्बत दिल में आप पैदा कीजिए, आपको सबसे ज्यादा खुशी होगी। मोहब्बत से खुदा है, मोहब्बत से जीना है, मोहब्बत में हर कुछ है, बरकत है। तो ये मेरा एक छोटा सा पैगाम है भाई आपको। संजय जी, हम आपकी उस इमारत के बारे में जानना चाहेंगे, गोल्डन पाम करके जिसका नाम है, तो क्या है ये? इससे पहले आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था, मैंने पूरा जवाब उसका, इससे पहले क्या था, इस इमारत से पहले जी? हाँ, ये टीपू सुल्तान मराठा और ग्रेट मराठा और जय हनुमान जी, तीन बहुत बड़ी सीरियल हमने दूरदर्शन को दी और ये उस हादसे के बाद के सीरियल जी। जी हाँ जी, और इन तीनों सीरियल से दूरदर्शन को 150 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था। अच्छा। तो दूरदर्शन के हमारे पुराने संबंध हैं, तो हमने पूछा कि भाई हॉलिडे के बाद आपको रेस्ट की क्या ज़रूरत है जी? तो वो सवाल मेरे दिमाग में हमेशा था, और जब मैं हॉस्पिटल में था अमेरिका में, उस वक्त अपने नर्स से कुछ नोट्स लिखवाता था कि एक मुझे हेल्थ स्पा बनाना है। अच्छा। जो आज हेल्थ इंडस्ट्री देखिए, हम पहले हेल्थ स्पा हमने सोचा हिंदुस्तान में, हमारे बाद बहुत इमिटेटर्स आए हैं जी। बड़े बड़े कंपनियों के नाम जो पहले होटलों में थे उन्होंने भी स्पा बनाना शुरू कर दिया है। तो आज हॉलिडे जो है एक माने रखता है कि आपका स्वास्थ्य ठीक करें। बिल्कुल। हॉलिडे के साथ ही साथ आपकी आपकी जरा सेहत बने जी। तो वो नजर रखते हुए हमने अप टू डेट एक बहुत ही खूबसूरत इमारत खड़ी की है बेंगलोर में, इस वक्त ऑपरेशनल है। अगर आप दर्शकों को दिखाना चाहती हैं तो दिखा सकती हैं आप। हमने दर्शकों को दिखा भी दिया है, आपने ध्यान भी दिया। अच्छा, बातों में मैंने देखा नहीं तो ये अच्छी चीज है जी। होलिस्टिक हॉलीडेज मिलता है और पैसे खर्चते हैं तो लेकिन हेल्थ वापस मिलती है। ऐसा नहीं कि बियर पीकर आप बीच पे सो गए, खाना खाकर पेट बड़ा हो जाता है, सेहत खराब हो जाती है। आज के एग्जीक्यूटिव को स्वास्थ्य अच्छा रखना बहुत जरूरी होता है। इस समय हमारे पास अजमेर से फोन है आभा का। हेलो। हाँ जी, मैं आभा दसाया बोल रही हूँ जी। अपना सवाल कीजिए आभा जी। मैं संजय खान जी से पूछना चाहती हूँ कि आपके जी बहन पूछिए, आपकी सभी फिल्में अच्छी थी लेकिन आपको किस फिल्म में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला? मुझे तकरीबन आज तक किसी भी फिल्म में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, जो मैं बनाता हूँ उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। एक प्यास हमेशा रहती है उससे अच्छा बनाने की,
लेकिन बहुत से फिल्मों में मुझे सक्सेस मिली है और मैं उसका बहुत ही आभारी हूँ कि आप लोगों को पसंद आई और बहुत पिक्चरें मेरी चली हैं। मैं उन दिनों में सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली हीरो के नाम से मशहूर था। तकरीबन मेरी 70-75% फिल्म्स कामयाब रही, तो इस वक्त मैं कह नहीं सकता कि कौन सी अच्छी फिल्म थी, लेकिन चंद ऐसी फिल्में थी जो बहुत ही यादगार, जैसे एक फूल दो माली, धुंध और मेला, इंतकाम, इस तरह की बहुत सी फिल्में, अब्दुल्ला, तो बड़े ऊंचे पैमाने पर बनी थी और बहुत सक्सेसफुली चली भी थी। तो बस संजय जी, आपने बताया एक फूल दो माली के बारे में, ये आपने इसमें आपने बलराज साहनी के साथ काम किया था, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उस समय का, थोड़ा बताइए। बलराज साहनी एक बहुत ही नेक और बुलंद किरदार इंसान थे। आज तक मैं उनको याद करता हूँ तो बहुत एक प्यार मोहब्बत बढ़ती है उन दिल में। बहुत ही नेक आदमी थे, उनके साथ मैंने बहुत सीखा, मेरे सीनियर आर्टिस्ट थे जी। और उनके साथ काम करने का मुझे बहुत मज़ा मिला था जी। मुझे याद है कि एक बार एक फूल दो माली की शूटिंग के दौरान जी। गुलमर्ग में मुसलसल 20 दिन बारिश हो रही थी और वेदर खराब था। अच्छा। तो गोयल साहब प्रोड्यूसर जो थे, देवेंद्र गोयल, बड़े नेक इंसान थे, तो परेशान थे। हम लोगों ने कहा कि परेशान नहीं होइए, हम डेट्स आपके रिन्यू कर देते हैं। संजय जी हम फोन ले लें, हरिद्वार से फोन है। अच्छा। अंजू त्यागी का। हेलो। हेलो। हाँ जी, अपना सवाल कीजिए अंजू। हेलो संजय जी, नमस्ते। नमस्ते अंजू जी। ये मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप हाँ जी। मुस्लिम फैमिली से होते हुए हिंदू ग्रंथों के प्रति मतलब एक अच्छी पकड़। नहीं देखिए, एक ही देश में रहते हैं, एक ही थाली से खाना खाते हैं, एक ही फिजा में रहते हैं, तो यहाँ पे कोई मेरे दिमाग में कभी हिंदू मुसलमान आता ही नहीं। मेरे नहीं, वो एक क्या इसका कोई पर्सनल कारण है? नहीं, इसमें कोई पर्सनल नहीं, मेरी दिली चाहत है कि मैंने कभी, मेरी परंपरा रही है हमारे खानदान में, जब मैं छोटा था हमारे घर में 40 नौकर होते थे, उसमें कोई 35 तो हिंदू होते थे, और आज भी मेरे घर में 14 नौकर हैं, उसमें 13 हिंदू महाराष्ट्रीय नौकर हैं। मैंने कभी ये सोच कर नहीं रखा उनको कि ये हिंदू है मुसलमान है, जो अच्छा लगा मुझे मैंने रखा है। मुझे सुनकर बड़ा ही अच्छा लग रहा है। जी हाँ, तो ये क्या है कि ये बहुत जरूरी है हमारे देश को जीवित रखने के लिए और सुरक्षा रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, हम सबको मिलजुल के रहना है, एक चमन में फूल के मिसाल रहना है, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो एक दूसरे का आधार और एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और संस्कृति जो है देश की उसको पकड़ के चलना चाहिए। अगर मैं हिंदू मजहब की चीजें बनाना चाहता हूं तो ये मेरी दिली चाहत है। मैं एक बहुत बड़ी फिल्म भी बना रहा हूं श्री राम पर, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी अपने मजहब को भूल गया हूं, इसका ये मतलब नहीं होता है। हम साफ सुथरी बात करते हैं, अगर शौक है, किसी कैरेक्टर में इंटरेस्ट है तो जरूर बनाइए, तो अच्छा है ना एक मुसलमान को एक हिंदू सब्जेक्ट अच्छी तरह से सफलता से बनाना, और एक हिंदू साहब को एक मुसलमानी सब्जेक्ट बनाना चाहिए, इसमें आगे आगे रिश्ता जुड़ता है। और जी बिल्कुल जी, ये तो एक जोड़ने का काम जी, है जी, जोड़ना है, तोड़ना नहीं है जिंदगी में, तोड़ना कभी नहीं है, कभी नहीं तोड़ना है। संजय जी हम बात कर रहे थे आपकी फिल्म एक फूल दो माली की जी, उसके बारे में आप बता रहे थे। एक फूल दो माली में, हाँ, 20 दिन शूटिंग, शूटिंग जी, 20 दिन शूटिंग बंद थी, उसके बावजूद भी हमने डेट्स दिए और शूटिंग मुकम्मल हुई, और उन दिनों में क्लाइमैक्स नहीं बना था गोयल साहब का। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्लाइमैक्स देवेंद्र गोयल, वो बहुत, इनके साथ आपने काफी काम किया जी, उन्होंने बहुत नेक इंसान थे, हमारे अच्छे बड़े भाई दोस्त थे। अच्छा। और आज भी मैं उनकी कदर करता हूँ, बेचारे मरहूम, और मैंने उनको 1-2-3 नोट्स बना के दिए थे क्लाइमैक्स के। अच्छा। तो उनको बहुत पसंद आया था, इस्तेमाल भी किया था उन्होंने। अच्छा। तो मुझे उससे खुशी हुई, उस टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि भाई स्क्रीन प्ले की तरफ भी मैं तरह रुझान गया था उस तरह। ये हमारे पास फोन है कोल्हापुर से अमित का। हेलो। 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 हाँ जी बोलिए। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, अपना सवाल कीजिए। हाँ खान साहब जी,
मैंने आप हेलो जी भाई, आपकी ऐसी कोई भी फिल्म नहीं आई जो मैंने अभी तक देखी नहीं हो। अमित अच्छा। जी थोड़ा सा अपना टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए। हाँ जी थैंक यू। आज हमें बहुत खुशी है जो आप बात कर पाते हैं। बहुत हमें भी खुशी हुई कि आपने इतनी मोहब्बत और इज्जत दी हमें। अच्छा खान साहब जी, एक फिल्म ऐसी है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है जी, जो फिल्म का नाम है धड़कन जी। हाँ, देवेंद्र गोयल ने डायरेक्ट की थी जी। उसमें गाना एक है जो बहुत मशहूर हुआ था जी, मैं तो चला जिधर चले रास्ता जी 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 जी। हालांकि वो गाना आपने प्लेबैक नहीं किया है जी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ अपने अंदाज में वो जरा दो लाइन गा सके। भाई इस वक्त समय बहुत कम है, सिर्फ 8 मिनट रह गए हैं और सवालों जवाब यहाँ बहुत बाकी रह गया है। संजय जी एक फोन और हम ले लेते हैं, काफी देर से वेट कर रही हैं, आशा राय का मुंबई से है। हेलो नमस्कार संजय साहब। नमस्कार आशा जी। मैं सत्यन दा के घर से बोल रही हूँ। अच्छा, अच्छा आपके जो दोस्ती के डायरेक्टर थे जी, इंडस्ट्री की तो आदत है सर की चढ़ते सूरत को सब नमस्कार करते हैं। हमारा भी पेश कर दीजिएगा प्लीज। तो आपके लिए हम ये जानना चाहते हैं आपका संजय नाम कैसे। मेरा नाम संजय सत्यन बोस नहीं बख्शा था। अच्छा संजय जी हम आगे बात करते हैं, जैसे कि अक्सर लोग दूरदर्शन को इतनी अहमियत नहीं देते हैं लेकिन प्राइवेट चैनल्स की तरफ ज्यादा भागते हैं और आपके सभी सीरियल दूरदर्शन पर सबसे पहले टेलीकास्ट हुए जी, जी, जी। तो इसका क्या कारण रहा। दूरदर्शन देखिए, दूरदर्शन के पास हार्डवेयर बहुत उम्दा है, टेक्नीशियंस बहुत उम्दा है, हर चीज बहुत उनके पास, हर किस्म की रीच है और दूरदर्शन दुनिया का नंबर दो चैनल है चाइना के बाद। इतना बड़ा नेटवर्क है, उसकी पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन, मेरी निजी राय ये है कि वो उसकी ब्रांड इमेजिंग जरा ठीक नहीं है। उसको मैंने बात की है, डीजी साहब से भी बात की है, सीईओ साहब से बात की है, वो मेरा ख्याल है वो कोशिश कर रहे हैं। जब तक एक ब्रांड इमेजिंग मतलब है इसके बैनर लगने चाहिए जैसे दूसरे टीवी स्टेशंस के लगते हैं, और इसको सही मानों में इसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए डीडी की, और केबल ऑपरेटर्स के साथ कुछ टाइप होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा हमारे पास कानून है 10 साल तक हम इनको कैद में रख सकते हैं अगर डीडी वन नहीं दिखाया। ये डीडी वन को जानबूझ के वो खराब कर देते हैं, उनके साथ सुलह हो सकती है। मैंने प्रस्ताव भेजा है दूरदर्शन में, अशोक हिंदुजा के माध्यम से उन्होंने भी कहा था हमसे बात करने के लिए। अगर ये हो जाता तो मैं समझता हूँ दूरदर्शन की टेक्निकल क्वालिटी उभर कर आएगी और दूरदर्शन में बनाने का एक फायदा है हम लोगों को कि भाई मार्केटिंग हम खुद करते हैं, रिस्क भी बहुत हैं और लेकिन हमारे पास उसके IPRS राइट्स भी रहते हैं। और CNS चैनल में हमें इतना मज़ा नहीं आता क्योंकि उसमें रकम इतनी नहीं बड़ी मिलती है और बहुत सी दखलंदाजी होती है और वगैरह वगैरह। तो जैसे कि महारतिकरण 1857 एक अजीम और शान दास्तान हिंदुस्तान की जी। हमने DD1 के पर्दे पे लगाया, 11 बजे चल रही है जी। और वो बहुत एक महत्वपूर्ण कहानी है आज़ादी की जंग जो अंग्रेजों ने उस पर म्यूटिनी का ठप्पा मारा था जी। तो वो इसलिए मारा था कि म्यूटिनी का ठप्पा क्योंकि वो समझते थे कि जो बगावत तो नहीं कहूंगा मैं, जो आज़ादी की जंग हुई थी वो बगावत समझ रहे थे। ऑक्सफर्ड की इंग्लिश डिक्शनरी में लिखा है कि म्यूटिनी का नाम, म्यूटिनी के माने सॉरी कि होते हैं कि अपराइजिंग विद आर्म्स अगेंस्ट अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक कानूनी सरकार के विरुद्ध आप हथियार उठाकर लड़ते हैं तो वो बगावत होती है। लेकिन यहाँ गैर कानूनी हमलावर गवर्नमेंट तो बाहर के, और ये कैसे म्यूटनी कहलाई जाती है। और अफसोस इस बात का है कि आज तक म्यूटनी की दास्तान किसी हिंदी ऑथर ने लिखा नहीं क्योंकि अंग्रेजों का राज था और राज में उन्हीं की बातें होती थी और हमारे हीरोज जैसे तांतिया तोपे, नाना साहेब, अजीमुल्ला खान, रानी झांसी, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, हजरत महल, कुंवर सिंह और ऐसे बड़े बड़े वीर और अजीजन, एक तवायफ जो अंग्रेजों ने उसको टांगा था क्योंकि वो देशभक्ति की भावना थी और नाना साहब की बड़ी मदद करती थी, उसका तवायफ का अड्डा वो एक बार तो जंग में हेडक्वार्टर बना था नाना साहब का।
कानपुर में। संजय जी हमारे पास समय बहुत कम है, जो सीरियल्स हैं वो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए धरोहर रहेंगी, लोग उनसे बहुत कुछ जानेंगे सीखेंगे। आप हमारे स्टूडियो आए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से, दूरदर्शन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।